जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मित्रों माँ कात्यायनी माँ दुर्गी दुर्गा की बेटी जैसी रूप का जो कि छठे दिन में आता है। दशहरा दुर्गा पूजा विजयादशमी आदि इसी पर्व के नाम है। इन सभी नामों के पीछे धार्मिक कारण लगभग एक ही है। इन नामों की सार्थकता भगवान श्री राम के कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अश्विन शुक्ल दशमी को ही दुष्ट रावण पर विजय पाई थी, इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी या विजयदशमी कहते हैं। चूंकि इसी दिन दशमुख रावण की हार हुई थी इसीलिए इस पर्व को दशहरा भी कहते हैं। ऐसा भी कथा है कि राम रावण युद्ध में रावण का राम इसलिए कठिन होता जा रहा था युद्ध, थक कर श्री राम ने शक्ति की देवी माँ दुर्गा की उपासना की थी। उपासना से प्रसन्न हो देवी ने श्री राम को रावण वध का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही श्री राम रावण का वध कर सके, इसीलिए इस पर्व का एक नाम दुर्गा पूजा भी है। आज हम माँ कात्यायनी के बारे में जानते हैं मित्रों। ओम देवी कात्यायन्य नमः। मित्रों दुर्गा माँ के छठे स्वरूप का नाम है माँ कात्यायनी। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परारम्भा की उपासना की थी, कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए वह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनके अन्य नाम गौरी उमा हेमावती और ईश्वरी भी है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी उपासना और आराधना पवित्र मन से
करने से जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों को अर्थ धर्म कर्म और मोक्ष ये चारों फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नवरात्रि के छठे दिवस में। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए सो धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।